हेलो, दिस इज सुब्रजीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो श्याम सिंह राय देखा आज नेटफ्लिक्स पे आने के बाद। तो फिल्म जब 24 दिसंबर को रिलीज हुआ था तो कोलकाता में बस एक ही सिनेमा थिएटर मिराज सिनेमा करके उधर आया था। तो ड्यू टू सम रीजंस मैं उस टाइम फिल्म देख नहीं पाया था, तो वेट कर रहा था। तो मैं बार बार मेरे सॉन्ग रिएक्शन में या ट्रेलर के टाइम पे बोल रहा था कि फिल्म को लेकर कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। वो ट्रेलर या टीजर में मैं कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट भी किया था, तो वो चीज़ सही निकला आफ्टर रिलीजिंग द फिल्म। मैं कुछ जगह पे देवदर्शी प्रथा के बारे में बात किया था जब ये फिल्म का टीजर ही बस बाहर आया था। जो मेरे यूट्यूब चैनल रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो उनको पता है कि क्या मैं स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट किया था। तो वो ये फिल्म देखने के बाद लगेगा उनको कि हाँ, शुभ्रजीत ने सही बोला था। तो चलिए, अपने बारे में बोलना तो बहुत कुछ हो गया, अपना प्रमोशन बहुत हो गया, अब फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो फिल्म एक्चुअली इज टोटली अ लव स्टोरी। हाँ, दो लव स्टोरी, दो अलग अलग टाइम के ऊपर बेस्ड है और दोनों जगह में कॉन्फ्लिक्ट है। नैनी का कैरेक्टर, वो एक जगह पे श्याम सिंह राय प्ले करते हैं और एक जगह पे कुछ दूसरा प्ले करते हैं। अब दोनों के बीच कनेक्शन क्या है और ये लव स्टोरी क्या सच में बस एक नॉर्मल लव स्टोरी है या इसके साथ बहुत कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके स्क्रीन प्ले को ढांसू तरह से ये लोग बनाते हैं, यही देखना था फिल्म के जरिए। तो देखिए, दो लव स्टोरी अलग अलग से रखे। तो पहला जो हाफ है वो हाफ टोटली इस टाइम के ऊपर, जो टाइम में हम लोग एक्चुअली बिलोंग करें, 21-22 इस टाइम के ऊपर है। और दूसरा जो है वो टोटली 1960s-70s इस टाइम रेंज के ऊपर एक कुछ ज़्यादा टाइम लेके वो स्टोरी बना गया है। तो इस टाइम का जो है, उस टाइम में एक जो नानी का किरदार है वो एक फिल्म मेकर है, वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। तो वो सब कुछ लेके उनका जो कनेक्शन है और उसके साथ कृति शेट्टी उधर जो रोल प्ले करते हैं उनके साथ एक लव एंगल होता है और उसके साथ जो फिल्म वाला पार्ट वो पार्ट है। पहले मैं बस देख रहा था उनको, हाँ, पर जो भी है पहले मेरे को स्टोरी वाइज लग रहा था, स्टोरी वाइज कुछ खास नहीं। पहले आपका बात कर रहा हूँ, पूरा सुनिए फिर जज कीजिए फिल्म को। और ऑब्वियसली आप लोग देखिए भी, ऑब्वियसली आई रियली ट्राई रिक्वेस्ट यू कि ये फिल्म जाके देखिए। तो फर्स्ट हाफ मेरे को देखने लग रहा था ये तो बस एक नॉर्मल सा लव स्टोरी है, कुछ खास है नहीं। पर जो खास था वो है एंगेजिंग फैक्टर। स्क्रीन प्ले को इतने अच्छे तरीके से लिखा गया था और उसके साथ नैनी का पोर्ट्रेल और एडिट, कुछ कुछ जगह पे सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ मिला के प्रेजेंटेबल कर रहा था जो मैं देखना चाह रहा था। एक कुछ फ्लैट नहीं चल रहा था। हाँ, स्टोरी वाइज मतलब ऐसा लव स्टोरी फर्स्ट हाफ के हिसाब से मैं बहुत देख चुका हूँ, आप लोग भी बहुत सारे देख चुके हैं। पर उसके साथ जो उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो नैरेशन है, वो जैसे बताता है वो सब कुछ मेरे को खींच के रखता है। उसके साथ एक बैकग्राउंड गाना इस्तेमाल करता है उधर, वो गाना प्रॉपरली फिट इन होता है। उन लोगों का जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल दिखाता है, उन लोगों का जो रहन सहन दिखाता है, सब कुछ के साथ वो गाना भी प्रॉपरली फिट इन होता है। उसके बाद जब सेकेंड हाफ में फिल्म आता है ना, पहला हाफ मेरे को देख के लगता है ठीक है, चलो स्टोरी नॉर्मल है पर ट्रीटमेंट के हिसाब से या ट्रीटमेंट मेरे को खींच के रख रहा है स्क्रीन के हिसाब से। तो स्क्रीन प्ले मेरे को बढ़िया लग रहा था, नैनी का काम भी अच्छा ही लग रहा था। मैं नैनी का इसके पहले 4-5 काम देख चुका हूँ, उनका ईगा देख चुका हूँ राजमौली सर के साथ, देख चुका हूँ उनका जर्सी, फिर देख चुका हूँ उनका कुछ दिनों पहले मैं तू जगदीश का रिव्यू किया था मेरे चैनल से, तो मैं उनका 4-5 काम इसके पहले देख चुका हूँ। तो उसके बाद तू जगदीश के बाद मैं ये फिल्म देख रहा हूँ उनका श्याम सिंह राय। तो ये फिल्म जब सेकंड हाफ में जाता है ना, तब फील होता है ओके, चलो फर्स्ट हाफ का जो लव स्टोरी था, पहला हाफ का जो लव स्टोरी चल रहा था, उधर मैडोना सेवास्तियन का भी एक कैरेक्टर है, मैं प्रेमम के बाद उनका ये काम देख रहा हूँ। तो मैडोना सेवास्तियन का जो भी काम है, छोटा बहुत रोल है पर वो अच्छा करती है। मेरे को प्रेमम से बढ़िया पोर्ट्रेट में उनका इधर लगा है, बहुत मैच्योर लगा उनका एक्टिंग एक्चुअली। तो जब सेकंड हाफ में ये फिल्म घुसता है तब वो 60s वाला पार्ट जाता, तब वो 60s वाला पार्ट में उधर कुछ सोशल अफेयर्स, जो मान लीजिए बंगाल का थोड़ा बहुत भी सोशल स्टोरी है बंगाल के बारे में, थोड़ा बहुत भी बंगाल का हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वो ऑब्वियसली ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सुना है ऑब्वियसली राजा राममोहन राय, द लेजेंडरी राममोहन राय के बारे में ऑब्वियसली सुना है विवेकानंद के बारे में। तो ये सब सोशल रिफॉर्मर्स का जब स्टोरी सुनते आए थे तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि शायद राममोहन राय या यही लोगों का जो किरदार है या यही लोगों का जो कुछ इतना सालों से हम लोग जो बंगाली हम लोग इतना सालों से उनके बारे में सुनते आ रहे हैं, उनके कामों के बारे में जानते आ रहे हैं, वो लोग हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, नॉट ओनली फॉर बंगाल पीपल, ऑल ओवर द इंडिया वो लोग इंस्पिरेशन है एज अ सोशल वर्कर या एज अ सोशल रिफॉर्मर। तो मैं सोच रहा था वही सब कुछ ब्रेन करके इधर डाला जाएगा फिल्म में, पर वो सब कुछ तो है ही, बट दैट्स ओनली अ टूल। पर जो भी है टूल भी इधर रखते हैं ना, वो भी अच्छे से स्क्रीन प्ले के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है कि जो देख के हम लोग को बहुत ज़्यादा लाउड ना लगे कि हीरोइज्म को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जा रहा है। मैं एक फिल्म का रिकमेंडेशन दूंगा, रिकमेंडेशन नहीं कुछ रेफरेंस खींचूंगा इधर, वो है पुष्पा। पुष्पा के बारे में मेरा यही चीज़ खराब लग रहा था, ये मैं कुछ
कुछ मैं फैंस को कुछ गाली बकना या जो भी फिल्म को गाली बकने नहीं बैठा रहा। पुष्पा के साथ मेरा वही फील हो रहा था कि दरअसल टिपिकल तेलुगु फिल्म वही मेल चौविनिज्म या हीरो वर्शिपिंग को या वही मैनहुड को सेलिब्रेट करना भी ठीक से नहीं है। और इधर इधर जो है ये टोटल सोसाइटी का जो बैलेंस है बैलेंस के बारे में बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, पर वो भी ऐसे नहीं कि आपको बस लगे कि क्या चल रहा है बोरिंग। यही वुमेन एम्पावर के बारे में हम लोग 100 स्टोरी देख चुके हैं, जो उनके लिए क्या नया है फिल्म में, वो भी उनको भी कैसे एंगेजिंग रखना है वो इन फिल्म के राइटर को पता था। तो उन्होंने ऐसे स्टोरी को रखा है, लव स्टोरी चल रहा है, सोशल सोशल वाला जो मैसेज है वो मैसेज चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, साथ में तगड़ा कुछ परफॉर्मेंसेस और उसके साथ जो गाना प्राणवालिया करके जो गाना है सुनने में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और उधर ऑब्वियसली नैनी का एक्टिंग, साथ में साइफ अली का एक्सप्रेशन, शी इज जस्ट जस्ट एक्सप्रेशन क्वीन। मैं बार बार बोलता हूँ मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ, उनका एक्सप्रेशन का, उनका वही नखरे का सब कुछ मिला के वो गाने के अंदर जो जान डालते हैं वो। एक तो गाना तगड़ा था, ऑब्वियसली गाना तगड़ा था, मेरे को बढ़िया लग रहा था उनका इस फिल्म का जो जो गाना आया था। ऑब्वियसली मैं सबके नाम प्रोनाउंसिएशन करने जाऊँगा तो कुछ गलत ही बोलूंगा, तो उससे अच्छा मैं ना बोलूँ ही बेहतर है। पर जो भी है सब कुछ प्रॉपरली फिट नहीं होता स्क्रीन प्ले में, और अंत में जाके आपके आंखों में आंसू आना तो ऑब्वियसली आएगा अगर पत्थर दिल ना हो तो। सीरियसली एक अच्छा फील देके जाता है कि चलो ये फिल्म देख के सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग जगह पे। ऐसे नहीं कि आप इस तरह की स्टोरीज इसके मैंने देखे नहीं, पर जो इस फिल्म का खासियत है वो इस फिल्म का राइटिंग और ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस सब कुछ का प्रॉपर एक प्रॉपर पैकेज आपको ऑफर करता है ये फिल्म श्याम सिंघार है। तो मेरे तरफ से तो ये फिल्म को एक बड़ा वाला थम्सअप है। आप लोग जो ऑब्वियसली ये फिल्म को देख चुके हैं ऑब्वियसली थिएटर में अभी तक, तो बताना मत भूलना आप लोग का क्या एक्सपीरियंस था थिएटर में। मेरे को तो ऑब्वियसली अच्छा लगा है, मैं ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा मेरे हर एक सब्सक्राइबर्स को या मेरे हर एक व्यूअर्स को कि जाइए ये फिल्म जाके नेटफ्लिक्स में देखिए। आप लोग जो ऑलरेडी देख चुके हैं आपका ऑनेस्ट रिएक्शन शेयर करना है इस फिल्म के बारे में, और मेरा इस वीडियो को लेकर आप लोगों को क्या राय है, कुछ शिकायत करना है मेरे को, मेरे साथ कुछ शेयर करना है जो मैं इस वीडियो में बोला नहीं हो, तो वो भी ऑब्वियसली ऑब्वियसली मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर जरूर एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।